एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को गुड विशेस देना चाहती हूँ, बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहती हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। हम आशा करते हैं आप सभी लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप लोग अच्छा स्कोर करके आएँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो काफ़ी जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आते वो भी आप लोग ठीक कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस आप लोग आते हैं उनमें भी आप लोग थोड़े से अच्छे वे से जो है कर सकते हैं, तो वो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप सभी लोगों को मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को अपना जो है एंट्रेंस एग्जाम में बेस्ट दे के आना है। डजंट मैटर कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी को आप लोगों को एवेल्युएट करना है, उसी को आप लोगों को एक्सप्रेस करना है। जितना आता है आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंशियली एंट्रेंस एग्जाम को दे के आना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। काफ़ी एग्जाम आते रहते हैं जिंदगी में, आप लोगों को ऐसा नहीं समझना है कि फिनाले है, एंड आप लोगों को बिल्कुल जो है जोश के साथ एंट्रेंस एग्जाम को जो है दे के आना है, एंड बिल्कुल कूल माइंड से आप लोगों को जाना होगा। तो क्या ट्रिक है एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने की? जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं देखने के लिए मिल रही है। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहाँ पे आप लोगों के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आते हैं आप लोग वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग पीछे रोहतक एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन के आप लोगों की जो चांस है आप लोग उनको कम कर रहे हैं। पीजीआई रोहतक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों के जितने क्वेश्चन है 180 क्वेश्चन है, 180 की 180 आप लोगों को कम करके आने हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। लेट सपोज आप लोगों का 180 में से 90 क्वेश्चन आते हैं एंड 90 क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आते हैं, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन आप लोगों ने पहले कर लिए हैं एंड 90 क्वेश्चन में अगर आप लोग थोड़ा सा ट्रिक से काम करेंगे या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप लोग काम करते हैं तो 90 में से एटलीस्ट आप लोग जो है 20 क्वेश्चंस ठीक करके आ सकते हैं। अगर आप लोग मिनिमम 20 भी क्वेश्चन ठीक करके आ जाएंगे थोड़ा बहुत करके, तो आप लोगों को जो रहेंगे 90 के कंपैरिजन में अभी जो मार्क्स मिलने वाले वो आप लोग देख सकते हैं, 20 नंबर आप लोगों के बढ़ चुके हैं ऑटोमेटिकली, 110 नंबर आ जाएंगे। 110 नंबर में सिलेक्शन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है। तो आप लोगों को यही ट्रिक को फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, जैसे ही आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम मिले आप लोगों को जो है पेपर को करना होगा स्मूथली, एक बार आप लोग देख सकते हैं, देन आप लोगों को एग्जाम को स्टार्ट करना होगा। पहले भी मैं बता चुकी हूं अगर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट थोड़ा आता है तो आप लोगों का एग्जाम जो है अच्छा जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोगों को जो है टाइम को ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आप लोगों को पता होगा आप लोग वॉच नहीं कैरी कर सकते हैं, तो वॉच आप लोगों को कैरी नहीं करना है, बट आप लोग एग्जामिनर जो रहेगा, इन्विजिलेटर जो रहेगा, आप लोग उससे टाइम ज़रूर पूछ सकते हैं। बार बार जो आप लोगों को टाइम पूछते रहना है, एंड यहाँ पर जो रहेगा 3 सब्जेक्ट है एंड यहाँ पर 3 ही घंटे का आप लोगों का एग्ज़ाम जो है लिया जा रहा है। तो आप लोगों के क्वेश्चन भी इक्वल है, 60 60 एंड 60 आप लोगों के क्वेश्चन है। तो हर सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा रखें, ठीक है। एंड आप लोगों को जैसे मैं बात करूं अगर हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो हर सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा होना चाहिए, बट यहां पर आप लोगों को अगर आप लोगों की स्पीड अच्छी है तो आप लोगों को एग्जाम को 2 बार जो है अटेम्प्ट करना चाहिए, मिनिमम 2 टाइम्स। दूसरी बार में अगर जो जितने आप लोगों ने क्वेश्चंस जो है ठीक किए थे उसके कंपैरिजन में आप लोग जो है 15 से 20 क्वेश्चंस और ठीक करके आएंगे, जो कि आप लोग फर्स्ट राउंड में थोड़ा सी गलती की वजह से जो है गलत कर रहे थे। बिकॉज यहाँ पर जो आप लोगों के ऑप्शंस रहेंगे वो क्लोजली रहेंगे, आप लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर करके दिया जाता है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहते हैं। तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर जो है आप लोगों को रिवाइज कर लेना है क्वेश्चन पेपर को, मतलब आप लोग 2 बार क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। उसके साथ साथ बायोलॉजी को आई थिंक मैं जो है मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो आप लोगों को बायोलॉजी को पहले करना चाहिए, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप लोग उसके अकॉर्डिंग पहले जा सकते हैं। तो आप लोगों को जो है एक सब्जेक्ट को जो आप लोगों का इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसको आप लोगों को कम समय देना चाहिए, जो आप लोगों का अच्छे से आता है। तो
मैंने स्टूडेंट रहते हैं जिनको बायोलॉजी अच्छे से आती है, तो उनको बायोलॉजी में 60 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा नहीं लगाना चाहिए। उनको बायोलॉजी में 60 क्वेश्चंस करने के लिए जो है बिल्कुल 20 मिनट्स भी आई थिंक एनफ होंगे 60 क्वेश्चंस करने के लिए, अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं या फिर आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की है। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे 20 में, तो एटलीस्ट आई थिंक 30 मिनट्स में तो आप लोगों की बायोलॉजी जो है हो जानी चाहिए, बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप लोगों को थोड़ा समय जो है लग सकता है। तो ऐसे ही आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है काम करना है, बिकॉज आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करने, आप लोगों को बबल्स भी फिल करने हैं। तो इस वजह से आप लोगों को चाहिए कि आप लोग पहले से ही प्री आप लोग डिसाइडेड हो कि कितने टाइम में मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इतने टाइम में मुझे ये सब्जेक्ट करना है एंड इतने टाइम में मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इतने टाइम में मैं बबल्स फिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसे आप लोगों को जो है पहले से डिसाइड करके चलना है। मैं आप लोगों के लिए डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों की स्पीड यहाँ पर अलग रहेगी, आप लोगों की कैचिंग पावर अलग रहेगी, आप लोगों का हर सब्जेक्ट में पकड़ अलग रहने वाली, तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करना होगा इन सभी चीज़ों को कि कितना आप लोगों को टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, कितना टाइम आप लोगों को बबल्स फिलिंग में देना है। मे बी हैवन कि आप लोगों को बबल्स फिलिंग में आप लोग जो है प्रैक्टिस हो आप लोगों की एंड आप लोग जल्दी फिल कर ले, बट अब ये भी हो सकता है आप लोगों ने ज़्यादा नहीं फिल किए हों तो इस वजह से आप लोगों को टाइम लग जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लें। पर 3 घंटे का पेपर है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन भी करने हैं, जिसमें आप लोगों को OMR सीट भी भरनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है वर्क करना होगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक्स आप लोगों को जो है फॉलो करनी होगी। एक बार आप लोगों को ज़रूर दोबारा से पेपर को करना चाहिए अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो, एंड आप लोग जो बबल्स फिल करें वो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना करें, ठीक है। आप लोग ऐसे करें जैसे आप लोग बायोलॉजी कर चुके हैं, देन बायोलॉजी के आप लोग फिल करें, देन फिजिक्स कर चुके हैं फिजिक्स के करें, एंड देन केमिस्ट्री कर चुके हैं केमिस्ट्री करें, एंड इसको बिल्कुल ध्यान से भरना है, बिकॉज इसी से आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। एक क्वेश्चन गलत फिल कर दिया मतलब इससे नीचे वाले सभी क्वेश्चन आप लोग गलत भी फिल कर सकते हैं, तो इस चीज़ को जो है ध्यान रख लेना है। अगर आप लोग मेरी एडवाइस से करें तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है उन कैंडिडेट्स के लिए, सिर्फ जिनके ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है बबल्स फिलिंग की वो यहाँ पर कर सकते हैं, कि जो क्वेश्चन रहे वो यहाँ पर जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उसी के साइड में आप लोग जो है फर्स्ट सेकेंड भी लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट का ए है एंड सेकेंड का बी है। तो ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो इनके ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, जिनके ज़्यादा प्रैक्टिस वो जल्दी जल्दी जो है फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, आप लोगों को ऐसा नहीं सिर्फ आप लोग जल्दी फिल कर रहे हैं, जो मेन जो आप लोगों का पॉइंट है दैट इज आप लोगों ने सभी डिटेल्स फिल की हैं अच्छे से या नहीं की हैं। OMR सीट में अगर आप लोगों की सभी डिटेल्स सही रहती हैं तभी आप लोगों की OMR जो रहती है वो स्कैन होगी, तभी आप लोगों का जो है रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ये हम लोगों ने थोड़ी सी ट्रिक के साथ बात किया, फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में फिर से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि 180 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन को करके आना है, चाहे वो आते हों चाहे आप लोगों को नहीं आते हों, बिकॉज वो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में। तो मैक्सिमम कोशिश करें